तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ लॉस्ट गूगल अकाउंट, मतलब जिसका अकाउंट गूगल का वो खो गया है, वो वापस कैसे ला सकते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा और एकदम न्यू ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका गूगल अकाउंट जो है वो वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं यार, वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करेगा यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन में चले जाना है। जाने के बाद आपको आपका प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, सिंपल यही करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। तो कोने में आपको एक लोगो देखने को मिल जाएगा, आपका जो गूगल अकाउंट है वो लोगो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल उस पर टैप करना है। तो जैसे आप उस पर टैप करोगे तो इधर मिल जाएगा आपका कौन सा अकाउंट है, अगर ये पुराना अकाउंट नहीं न्यू अकाउंट है तो पुराना अकाउंट कैसे लगाओगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको रोल करके एकदम नीचे चले जाना है। जाने के बाद अकाउंट एंड साइनिंग वाला एक ऑप्शन मिल जाए, सिंपली उस पर टैप कर देना है। करने के बाद आपको ऐड अकाउंट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, तो सिंपली ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना। करने के बाद आपको गूगल सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोन का जो लॉक है वो दे देना है। अगर फ़ोन का लॉक नहीं है तो इधर सिंपली ऐसा आएगा चेकिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको ओल्ड अकाउंट देना है, मतलब ओल्ड गूगल अकाउंट या ओल्ड फ़ोन नंबर जिससे आपका अकाउंट था वो देना है। तो आपके पास अगर वो नंबर नहीं है, आपको वो नंबर खो गया है, या आपका वो ईमेल पता नहीं, ईमेल भाई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो नंबर चाहिए होगा, तो नंबर कैसे मिलेगा, अगर आपके पापा के पास है, आपका मम्मी के पास है, किसी के पास हो अगर हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको आसपास सिम सेंटर में जाना है और सिम ले लेना है। अगर वो सिम आपके फ़ोन में ही है लेकिन आपका डिवाइस अलग है तो कोई बात नहीं यार, सबसे पहले आपको उधर नंबर देना है। देने के बाद आपको इधर फास्ट नाम देना है, मतलब फास्ट नाम मतलब आपका गूगल में जो नाम था, आपने दूसरा कोई नाम, आपका नाम नहीं या पापा का नाम दिया था, या आपने कोई ऐसा कुछ देना, जैसे कि मैंने दिया था शिवा गेमिंग, शिवा भाई ऐसा, अगर आपने भी कुछ दिया होगा तो उधर वही नाम देना है, आपका नाम जो भी आपने गूगल पे दिया था वही सेम टू सेम नाम देना है। देने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा चेकिंग इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गेट ए वेरिफिकेशन कोड, मतलब आपको उस नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। अगर आपके पास नंबर है या आपने लिया है, मैंने जैसे जैसे बोला है आपके पास नंबर आ जाएगा, तो उस पर एक OTP चला जाएगा। तो सिंपली जैसे OTP चला जाएगा तो आपको इधर वो OTP जो है वो इधर सिंपली दे देना है, जो भी OTP आपके पास गया है वो OTP आपको देना है। देने के बाद सिंपली इधर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मतलब आपका उस नंबर पे जितने भी अकाउंट है, ओल्ड अकाउंट, न्यू अकाउंट है, उससे भी पुराना है, जो भी अकाउंट है आपके सामने आ जाएगा। तो आपका अकाउंट कौन सा है इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली उस पर टैप कर देना है जो भी आपका अकाउंट है। उसके बाद आपके पास पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड पता नहीं है तो फॉरगेट कर लेना। तो जैसे आप फॉरगेट करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका जो ऐड किया था, मतलब ईमेल आपने ऐड किया था, इधर आपको उस ईमेल पे एक OTP जाएगा। इधर आपको फ़ोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली अगर ये आपको बैकअप ईमेल है तो इससे आपको करना है। तो बैकअप ईमेल कैसे सेट कर सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सबसे पहले आप लोग ये देख लो, उस ईमेल पे चेक कर लेना, मतलब ऊपर आ जाएगा कौन से ईमेल पे आपका कोड जाएगा, तो वो ईमेल आपको देख लेना है कौन सा ईमेल है और आपके पास है या नहीं। तो अगर आपके पास है तो उसमें आपको OTP मिलेगा, आपको इधर सिंपली वो OTP दे देना है। देने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, बस ऐसा करना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड देने का जगह मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना जो ओल्ड अकाउंट वो सिंपली वापस ला सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है, मतलब आपका वो ईमेल भी नहीं है, वो फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो फ़ोन नंबर कैसे लाना है मैंने बता दिया है, और अगर ईमेल ऐड नहीं है तो ईमेल कैसे ऐड करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना यार, अगर आपके पास वो सिम नहीं है जिस नाम से गूगल अकाउंट खोला था, तो आपको वो सिम लाना ही पड़ेगा यार। तो इसीलिए मैंने बताया जिस सिम से आपका अकाउंट चलता था वो सिम आपको पास के किसी सेंटर से लाना पड़ेगा। अगर आपको सिम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं यार, बैकअप ईमेल तो होगा। अगर मान लो बैकअप ईमेल भी नहीं है तो आप क्या करोगे, तो देखो यार, अगर बैकअप ईमेल भी नहीं है, वो फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो आपको पुराना डिवाइस चाहिए होगा, मतलब जिस डिवाइस से आपने ना पुराना अकाउंट खोला था, तो उससे आपका बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने कुछ बेसिक ट्रिके बता दिया है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इसमें से कोई भी नहीं, दूसरी किसी रीजन से आपका अकाउंट जो है वो लॉस्ट गूगल अकाउंट वापस नहीं आ रहा है, तो कॉमेंट्स में फुल डिटेल्स बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो आज का वीडियो बस इतना था कि
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।